सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने भर्ती में भ्रष्टाचार की नीयत से जुटाए आर्थिक संसाधन, अब नई भर्ती प्रक्रिया में नियम सख्त होने से उनकी कुचेष्टा नहीं हुई पूर्ण। सफाई कर्मचारियों के नेता अब भड़काकर करवा रहे हैं हड़ताल। विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश में गायब पट्टों की पत्रावलियों की होगी जांच। प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर झुंझुनू दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। हर बार नई मांग लेकर वार्ता में आते हैं। सरकार ने जितना संभव था करने की कोशिश की। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे मूल कारण सफाई कर्मचारियों के कुछ नेता हैं, जिन्होंने सफाई कर्मी भर्ती में भ्रष्टाचार करने की नीयत से बहुत से लोगों से आर्थिक संसाधन जुटा लिए थे। अब नई भर्ती में नियम सख्त हो गए हैं, अब उनकी कुचेष्टा पूर्ण नहीं हो रही। अब ये सफाई कर्मचारियों को भड़काकर हड़ताल करवा रहे हैं। प्रदेश की कई निकायों में गायब हुई पट्टा पत्रावलियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश भर में अभियान चलाकर गायब पट्टा पत्रावलियों की कार्रवाई जाएगी। प्रकरण में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए 5 पौधे लगाए। सर्किट हाउस में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। सफाई कर्मचारियों से कई दौर की वार्ता हो चुकी, हर बार एक नई मांग लेकर आते, उनसे जितना कुछ हम कर सकते थे करने का हमने उनसे बात कर ली, लेकिन इसमें मूल कारण यह है कि कुछ सफाई कर्मचारियों के नेता हैं जिन्होंने सफाई कर्मी भर्ती में भ्रष्टाचार करने की नीयत से बहुत से लोगों से आर्थिक संसाधन जुटा लिए थे। अब चूंकि नए सिरे से भर्ती होगी, उसके नियम कुछ सख्त हो गए, तो उनकी जो कुचेष्टा थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वो भड़का कर सफाई कर्मचारियों से हड़ताल करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है, पूरे प्रदेश में ये प्रकरण आ रहे हैं और उसमें अभी विधानसभा सत्र के बाद एक अभियान चलाकर लगभग सभी जगह से जितनी शिकायतें आएंगी उनको लेकर उनका जाँच करवा कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार गंभीरता से विचार करे, उसका हम शीघ्र समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो प्रमुख कार्यक्रम है पर्यावरण सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत आज सर्किट हाउस में 5 पेड़ लगवाए गए हैं।